साउथ ईस्ट अफ्रीका कंट्री इजिप्ट यानी मिस्र। अगर बात करें इसकी लोकेशन की तो ये बेसिकली एक टोटली सहराई कंट्री है जो पूरा का पूरा सहरा पर मुश्तमिल है, जिसका कुछ हिस्सा मेडिटेरियन सी के साथ अटैच है और कुछ रेड सी के साथ, जो कि इसराइल के बॉर्डर पर आकर दोनों अटैच होते हैं। अगर बात की जाए इसके बॉर्डर के करीब कंट्री की तो उसके अंदर आता है इसराइल, लीबिया, सूडान और सऊदी अरेबिया। तो फैक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक मालूमात। नंबर 1, आज से हजारों साल पहले जो लोग मिस्र के अंदर रहते थे तो वो हजार से ज्यादा खुदाओं यानी देवी देवता और बहुत सी ऐसी चीजों को मानते थे जिनका आज तस्वीर भी नहीं, और उनकी इबादत किया करते थे। वहाँ का निजाम कुछ ऐसा बन गया था कि हर हर एरिया हर हर कबीले का अपने सैकड़ों खुदा होते थे। हर चीज के लिए अलग अलग होता था, बारिश, पानी, जगह, सूरज, आग। तो ये मानते थे कि इन सब के लिए अलग अलग खुदा हैं। फैक्ट नंबर 2, यहाँ के लोगों का मानना था कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी दूसरी लाइफ स्टार्ट हो जाती है और वो ज़मीन के अंदर होती है। इसीलिए जब उस टाइम के बादशाह या फिर वो बड़े लोग मरते थे तो वो अपने साथ अपने तमाम नौकर, अपनी तमाम कीमती चीज़ें और काम की चीज़ों को भी साथ अंदर दफना दिए जाते थे, सिर्फ यही सोचकर कि जब इन्हें दफना दिया जाएगा और नीचे की ज़िंदगी स्टार्ट होगी तो इनके पास हर चीज़ मौजूद हो। फैक्ट नंबर 3, ये लोग बियर बहुत ही ज़्यादा शौक से पीते हैं और इनकी सबसे ज़्यादा फेमस बियर जीनी नेट के नाम से जानी जाती है। इनके अंदर बियर का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हर त्यौहार पर हर जगह और पुराने दौर के लोग भी, हत्ता के उस टाइम के बच्चे भी बियर पीते थे। फैक्ट नंबर 4, वैसे आजकल देखा जाए तो मेकअप और ये जितने भी कॉस्मेटिक हैं ये समझा जाता है कि ये सब लेडीज़ के इस्तेमाल के लिए हैं, लेकिन अगर हम बात करें मिस्र के रहने वाले लोगों की जो आज से पहले हज़ारों साल पहले रहते थे, तो उनके अंदर मैन और वोमेन यानी मर्द और औरत का कॉन्सेप्ट नहीं था मेकअप के अंदर, इन कॉस्मेटिक चीज़ों के अंदर। तो उस टाइम औरतों से ज़्यादा मर्द मेकअप किया करते थे और दोनों बराबर भी कर सकते थे, लेकिन जेवरात का पहनना और मेकअप करना ये ज़्यादा मर्दों के शौक थे। फैक्ट नंबर 5, कहा जाता है कि जो पैरामिड्स मिस्र में मौजूद हैं उस टाइम के जो मज़दूर वगैरह थे उन पर तशद्दुद करके बहुत ही गर्मी की हालत में, लेकिन जदीद तहकीकात के मुताबिक, वहां की लिखावट के मुताबिक ये साफ पता चल रहा है कि वहां के मज़दूरों ने, किसी भी मज़दूर ने ये पैरामिड नहीं बनाए और ना ही किसी पर तशद्दुद किया गया था, बल्कि वेल ट्रेंड वर्कर को बुला के इसे अच्छी तरह से तामीर करवाया गया था। फैक्ट नंबर 6, वो लोग जो ज़्यादातर खोज लगाते रहते हैं पैरामिड के बारे में और साइंटिस्ट वगैरह जो इस चीज़ की तहकीक करने में लगे हैं कि इन पैरामिड्स के अंदर क्या है, तो उनके सर्वे के मुताबिक ये जो पैरामिड्स की दीवारें, ईंटें इतनी मोटी रखी गई हैं, ये इसलिए रखी गई हैं, जैसे आपको बताया, मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद जब दफना दिया जाता है तो नीचे एक दूसरी दुनिया स्टार्ट हो जाती है।
मिसर का टेम्परेचर हमेशा 40 डिग्री से ज़्यादा रहा है। तो इस किस्म के पैरामिड बनाने का मकसद ये था कि दुनिया में तो चलो जैसे ही गर्मी थी, लेकिन नीचे जाकर उनको टेम्परेचर काफ़ी कम मिले। और इसी वजह से कहा जाता है कि बाहर चाहे जैसी भी गर्मी हो, 50 डिग्री हो या 60 डिग्री हो, पैरामिड्स के अंदर 20 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जाता। फैक्ट नंबर 7, पहले दौर में ये माना जाता था और ऐसा किया भी जाता था कि जब बच्चा पैदा होता है तो बिना कपड़ों के साथ पैदा होता है। तो ये माना जाता था कि बच्चे को जितना देर बिना कपड़े के साथ रखा जाए तो उसके लिए अच्छा है। तो तकरीबन एक अंदाजे के लिहाज से 6 साल तक जब बच्चा बड़ा नहीं हो जाता था बच्चे को कपड़े नहीं पहनाए जाते थे। फैक्ट नंबर 8, वैसे आपने मूवीज में देखा होगा या फिर सुना होगा या फिर इनके खुद के जो मुजस्मे हैं वहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मैयत को एक पट्टियों में, वाइट पट्टियों में लपेट कर, जिसे हम आम अल्फाज में मम्मी बुलाते हैं, उसी तरह ही दफनाया जाता था। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इनकी तरफ इनके शाही ख़ानदान में या फिर इनका कोई भी ज़्यादा करीब का जानवर मर जाता था तो उसको भी ये मम्मी स्टाइल में वाइट पट्टियों में लपेट कर ही दफनाया करते थे। फैक्ट नंबर 9, कहा जाता है कि पहले लोग जो मिस्र में रहते थे और वो जो सोते थे दिन तकियों पर, वो तकिए आजकल के सॉफ्ट नरम तकिए नहीं होते थे, वो पत्थर के बिस्तर और पत्थर के तकियों पर ही सोते थे। फैक्ट नंबर 10, पुराने दौर के जो बादशाह वगैरह थे मिस्र के या फिर कोई बहुत बड़े ओहदे वाले थे, तो वो जहरी बात है उस टाइम खुदाओं का दौर था, लोग हज़ारों खुदाओं को मानते थे अपने अपने तरीके से, हत्ता के इतना था कि लोग लोगों की भी पैरवी करते थे। तो वो चाहते थे कि उनका नाम रहती दुनिया तक हमेशा तक रहे, इसी वजह से वो पत्थरों में, पहाड़ों में, दीवारों में, हर जगह अपने मुजस्मे, अपनी तस्वीरें और अपनी कहानियां लिखवाया करते थे ताकि आगे आने वाली नस्लें उनको देखें और उन्हें उनका पता चले। तो बेसिकली दोस्तों हो तो यही रहा है, आज उनकी तस्वीरें और उनके मुजस्मे निशानात देख कर ही हम उन बातों का अंदाज़ा लगा सकते हैं।